नमस्ते छात्र, श्री परिश्रम विद्या मंदिर राणा कंडोड़ा ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज का जो वीडियो है वो कक्षा 6 यानी कि 6, और उसमें पहला पाठ है, विषय है हिंदी, और पहला पाठ है कि दयालु शिकारी, और जिसको चित्र पाठ है। दयालु शिकारी का जो पाठ है वो चित्र पाठ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं जो दोनों भिन्न भिन्न है, कि पहले चित्र में क्या हो रहा है, दूसरे चित्र में क्या हो रहा है। तो ये दयालु शिकारी है, उसका चित्र पाठ है, उस पर से हमें एक कहानी सीखनी है। उसकी एक कहानी है जो हम हिंदी में समझते हैं और सीखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उस कहानी का नाम है दयालु शिकारी। तो पहला चित्र देखिए, एक शिकारी होता है, उसे एक दिन ताजी हिरनी यानी कि ताजा मांस खाने की इच्छा होती है। तो उसके लिए तो उसको शिकार करने को जाना पड़ता है। तो उसने सोचा कि चलो मैं जंगल में जाता हूँ और वहां से एक कोई ताजी हिरनी का मांस लेके आता हूँ, फिर मैं खाऊंगा। तो वो गाढ़ जंगल है, वहां जाता है और वहां जाके वो देखता है कि कितना गाढ़ जंगल है, इतने पेड़, इतना सारा बड़ा जंगल है, घास आदि सब कुछ है। तो वहां कोई हिरनी, हिरन सब कुछ हो गए ही, मुझे कोई ना कोई ताजी हिरनी तो मिल ही जाएगी, जैसे कि उसका मैं मांस खा सकूं, इसलिए उसका मुझे शिकार करना पड़ेगा। तो वो शिकारी है, वो जंगल में जाता है, तो वहां वो जंगल में एक ताजी मोटी हिरनी को देखता है। जंगल में वो एक ताजी मोटी हिरनी को देखता है, उसको देख ही उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है, सोचता है कि इस हिरनी का मैं शिकार कर लूं तो मुझे बढ़िया मांस मिल जाएगा और मेरी जो इच्छा है वो भी तृप्त हो जाएगी। इसलिए उस हिरनी को वो देखता है, जैसे उसको देखते देखते जाता है तो आगे बढ़ता जा रहा है। जंगल इतना गाढ़ था, इतना बड़ा था कि वहां खो भी जा सकता था, लेकिन उस हिरनी का उसने पीछा नहीं छोड़ा। जैसे ही हिरनी को देखा, हिरनी ऐसे ही कूद के मार के जा रही थी, दौड़ दौड़ कर जा रही थी। पहले तो हिरनी को पता नहीं था, तो बड़े जंगल था, गाढ़ जंगल, इसमें इधर उधर अपने तरीके से घूम रही थी, क्योंकि उसके प्रभु ने हम सबको इस धरती पर भेजा तो अपने तरीके से जिंदगी जीने का हक सभी को है। इसलिए वो हिरनी जंगल में इधर उधर घूम रही होती है, तो वहां सनक को शिकारी है वो शिकार करने के लिए आ जाता है, और जब भी वो हिरनी को देखता है तो उसके पीछे पीछे दौड़ता जाता है। जैसे हिरनी का ध्यान उसकी तरफ पड़ता है तो हिरनी ज्यादा दौड़ने लगती है, जंगल में आगे आगे, इतना आगे दौड़ के निकलती जा रही है कि जैसे कि वो शिकारी उसे देख ना पाए। फिर भी वो शिकारी तो शिकार करने को आया था, ताजी हिरनी का उसे मांस खाना था, तो वो कैसे उसका पीछा नहीं करता। इसलिए वो हिरनी के पीछे दौड़ता है, और जब भी उसको दौड़ते दौड़ते और हिरनी की नजदीक पहुंचता है तो एक बड़ा सा गाढ़ जंगल में पेड़ होता है, उस पेड़ के पीछे वो छिप जाता है। जैसे कि इस दृश्य में हम देख सकते हैं कि ये रहा शिकारी जिसके पास बंदूक है, और वो एक गाढ़ जंगल में बड़ा सा वृक्ष है उसके पीछे वो छिप जाता है, ऐसे छिप जाता है कि हिरनी उसे ढूंढ देख ना पाए। यदि वो देख जाती तो हिरनी वहां से घबरा के भाग जाती और ये शिकारी को मांस नहीं मिलता, शिकारी शिकार नहीं कर पाता। इसलिए वो पेड़ के पीछे छिप जाता है और वहां से देखता है कि वो हिरन हिरनी कहाँ जा रही है। जैसे उसके नजदीक पहुंचता तो वो क्या करता, पहले तो देखता था, उसके पास निशाना साधने के लिए पिस्तौल भी थी, बंदूक भी थी, लेकिन पहले तो छिप जाता है, पहले देख रहा था कि हिरनी कहाँ जा रही है, क्योंकि उसके पीछे दौड़ने के अलावा ये बढ़िया है कि मैं वृक्ष के पीछे छिप जाऊं तो मैं आसानी से उसका शिकार कर पाऊं। इसलिए वो वृक्ष के पेड़ के पीछे छिप जाता है और देखता है कि हिरनी जंगल में आगे कहाँ जाती है। तो देख रहा है तो हिरनी वहां से दौड़ कर आगे जा रही थी, क्योंकि वो शिकारी को शायद देख जाती है, या तो वो घबरा गई तो आगे आगे दौड़ के जा रही थी। और ये सिपाही है, शिकारी है, वो तो पेड़ के पीछे यूं ही छिपकर देख रहा था, फिर भी हिरनी है वो आगे आगे दौड़कर जा रही थी। अब जैसे ही हिरनी आगे दौड़कर जा रही थी, तो जैसे हिरनी पेड़ के नजदीक पहुंची, वो तो इधर उधर दौड़ ही रही थी, उसको पता नहीं था कि पेड़ के पीछे एक शिकारी छिपा हुआ है। तो हिरनी दौड़ दौड़ के जब के पेड़ के नजदीक पहुंची तो शिकारी ने अपना निशान
अब छात्र हम देखते हैं कि दूसरे चित्र में जो शिकारी था वो निशाना साध रहा था, यानी निशाना लगाया। और अब ये तीसरे चित्र में देखिए, जो शिकारी था पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। अब जैसे ही हिरनी उसको सामने नजदीक दिखाई दी, तो वहां से वो आगे आ जाता है, पेड़ के आगे आकर अपना निशाना अच्छी तरह से साधता है, निशाना लगाता है। जैसे ही उसने देखा कि हिरनी नजदीक आई, अपना निशाना साधा, और जैसे ही गोली चलाई तो हिरनी की टांग में गोली लग जाती है। और एक गोली लगने की वजह से गोली की जो आवाज आई, उसकी आवाज सुनकर जंगल में उस हिरनी के साथ साथ जो भी दूसरे पशु थे वो भी उसके साथ भागने लग गए, वो भी वहां से भाग गए, क्योंकि हिरनी की टांग में गोली लगने की वजह से उसकी आवाज सुनकर दूसरे पशु थे वो भी वहां से इधर उधर भागने लग जाते हैं। अब आगे छात्र, उस दृश्य में हमने देखा था कि शिकारी ने जैसे ही गोली का निशाना साधा हिरनी पर, और उसने जैसे ही गोली की आवाज आई, तो सभी वहां जितने भी पशु थे, हिरन हिरनी, वो सब इधर उधर भागने लग गए। इतने में ही शिकारी निशाना लगा के आगे आता है, तो देखता है कि निशाना हिरनी की टांग में गोली लग गई है। तो ये सभी हिरन इधर उधर भागते जा रहे थे, तभी हिरनी को गोली लगी, तो वो उसके शावक के साथ यहाँ बैठ जाती है और देखती है कि वो शिकारी नजदीक आता है या क्या करता है। वो इधर बैठ गए अपने शावक के साथ और वो देख रही है कि शिकारी नजदीक आता है या क्या कर रहा है। खुद आंखें में से आंसू भी बह रहे हैं, क्योंकि उसको गोली लगी तो ज्यादा दर्द होने भी लगा था। अब वो देख रही है कि अब वो चल तो दौड़ पा ही नहीं सकेगी, इसलिए वो देखती है कि शिकारी नजदीक आता है कि क्या हुआ। अब शिकारी को इस जैसा लगा कि मैंने गोली तो छोड़ दी, निशाना सही जगह पर लगा, इसलिए मुझे शिकार तो अवश्य मिल जाएगा। इसलिए वो हिरनी की नजदीक आने की कोशिश कर रहा है। वो आगे आता है, आगे आकर देखता है कि हिरनी के पैर में, यानी कि टांग में गोली लगी हुई है और उसमें से ज्यादा खून निकल रहे हैं। इसलिए हिरनी वहां स्तब्ध हो गई, हिरनी वहां बैठ गई, क्योंकि उसके पैर में से गोली लगी तो खून निकल रहा था और दर्द की वजह से वो वहां उठ के आगे चल नहीं पा रही थी और दौड़ भी नहीं पा रही थी, इसलिए वो हिरनी वहां बैठ गई। और साथ में ही उसका ये हम दृश्य देख सकते हैं कि छोटा सा शावक है, उसका बच्चा, वो भी साथ में ऐसे ही मुंह लटका के बैठ गया। अब दोनों देख रही है, तो जो शिकारी था वो धीरे धीरे उसके पास आता है और नजदीक आके बैठ जाता है। और बैठकर वो देखता है तो उसे दिखाई देता है कि हिरनी अकेली नहीं है, हिरनी अकेली नहीं है, उसके साथ कौन है कि एक छोटा सा शावक भी है जिसे हिरनी ने जन्म दिया था, यानी कि छोटा सा शावक है जिसे हम बच्चा कहते हैं। दोनों को शिकारी ने देखा और जैसे ही देखा तो शिकारी को पछतावा हुआ कि ओह, ये मैंने क्या कर दिया, ये छोटे सा शावक तो देखो, इसको देखकर ही मुझे ये पछतावा होता है कि मैंने हिरनी को गोली क्यों मारी, इसका क्या कसूर था, मुझे ताजा मांस खाना था, शिकार करना था, लेकिन मैंने हिरनी को गोली क्यों मारी, ये शावक का कुछ भी कसूर है और हिरनी का भी नहीं है। और शिकारी वहां बैठता है और देखता है कि खून कैसा निकला, कहाँ से निकल रहा है, तो मैं इसका कुछ इलाज करवाऊँ, ऐसा उसको पछतावा हो रहा है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि इस कहानी में कौन सा मोड़ है। इसके आगे का जो दृश्य था उसमें हमने देखा था कि जो शिकारी था उसने हिरनी को गोली मारी थी, गोली छोड़ी थी उस पर, तो उसके देखा कि उसको ज्यादा खून निकल रहा है और उसने एक छोटे से शावक को जन्म भी दिया था, दोनों का कोई भी जरा भी कसूर नहीं था, इसलिए उसको पछतावा हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे एक ताजा मांस खाने की इच्छा हुई थी, इसलिए इसलिए उसको पछतावा हो रहा है। और आगे फिर बाद में वो हिरनी को, हिरनी चल नहीं पा रही थी क्योंकि उसको गोली लगी थी, इसलिए वो चल पा रही नहीं थी, इसलिए वो शिकारी हिरनी को अपनी गोदी में उठाकर आगे ही कुछ ही दूरी पर जंगल में एक पशुओं का अस्पताल था वहां पर वो लेके जा रहा था, क्योंकि उसका इलाज करवाना था, जहाँ गोली लगी थी वहां उसका इलाज करवाना था। तो जंगल में अपने तरीके से तो कुछ कर नहीं पा रहा था, इसलिए हिरनी को अपनी गोदी में उठाकर वो जंगल में कुछ ही दूरी पर एक अस्पताल है वहां पर वो उसका इलाज करवाने के लिए ले जा रहा है। अब आगे इस दृश्य में हम देख सकते हैं, ये अस्पताल ले गया था, ये अस्पताल का सिंबल दिया गया है, और वहां जाकर ये शिकारी हिरनी को डॉक्टर डॉक्टर को दिखवाता है, और बाद में
उसको जहाँ टांग में गोली लगी थी वो गोली निकालते हैं और वहाँ पर डॉक्टर उसका मलम पट्टी इलाज करते हैं। तो अब आगे इस चित्र में हम देखते हैं दोस्तों कि उसमें अंत में क्या हुआ था कि जो शिकारी था उसने हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई थी इसलिए उसने शिकार किया, उसके पैर में यानी कि टांग में गोली लगाई। तो वो नजदीक जाके उसको देखता तो उसने देखा कि उस हिरनी ने छोटे से शावक को भी जन्म दिया था। दोनों की आंखों में से आंसू बह रहे थे क्योंकि उसको गोली लगी थी हिरनी को, और वो शावक को वो अपनी माँ की ऐसी हालत देख के उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। तो ये दोनों दृश्य देखकर उस शिकारी को पछतावा हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। इसलिए वो हमने इसके आगे के दृश्य में देखा था कि वो हिरनी को अपनी गोदी में उठाकर अस्पताल लेके जा रहा है क्योंकि उसका इलाज करवाना था। पछतावा हुआ तो आगे उस हिरनी का इलाज करवाने के लिए वो अस्पताल लेके जा रहा था और वहां गया और अस्पताल में जाकर डॉक्टर के पास वो टांग में हिरनी को गोली लगी थी वो निकाली और वहां पर मलहम पट्टियां करवाई और वापस वापस वहां से वो हिरनी को लेकर जंगल की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। ये रहा जंगल के आगे का दृश्य। यहाँ जंगल में जाकर हिरनी को छोड़ दिया और वो शावक और हिरनी दोनों अपने तरीके से वहां आराम से अपनी जिंदगी जी पाए। इसलिए पछतावे की वजह से उस शिकारी का दिल भी द्रवित हो उठा। और इस कहानी की वजह से हमें यह सीख मिलती है कि पशुओं को भी अपने तरीके से इस संसार में जीने का अधिकार है। तो हमारा व्यक्तित्व यही कहता है कि पशु हो या कोई भी हो, लेकिन सभी को अपने जीवन में अपने तरीके से जीने का अधिकार है। यही बोध इस कहानी से मिलता है।